हेलो दोस्तों, देखो आप कह रहे थे कि थ्रेडिंग पहले बनाना है कि ब्लीच करना है कि फेशियल करना है पहले, तो इस की सारी जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ। इनको देखो सारा ही काम करवाना और चेहरा आप देखो कितना डलनेस है इस पर, तो ये किस समय कैसे करवाना चाहिए पहले, ये आपको मैं पूरी जानकारी दे रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा आप, उसके बाद ही सारी समझ में आएगा आपको। तो देखिए थ्रेडिंग भी इनकी बढ़ी हुई है, दाग धब्बे दिख रहे हैं, अपर लिप्स भी बढ़ी हुई है और सारा फेशियल भी करवाना है और ब्लीच भी करवाना है। तो सबसे पहले अपन ने चेहरा क्लीन करा है, अब अपन इनको ये ऑक्सिका में ब्लीच तैयार कर लिया है। आपको ब्लीच करना पहले बता रखा है मैंने, तो ये तैयार कर दिया है। अब इसको अच्छे से अपन लगाएंगे पूरे चेहरे पे, कवर करेंगे इसको ये पूरी तरह से क्लीन कर दिया है और इसको पूरा ब्लीच लगाएंगे। थ्रेडिंग पहले नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और जो अपन ब्लीच लगाते हैं तो उससे जलन होती है। इस वजह से आप पहले थ्रेडिंग ना करें और पहले ब्लीच करें, उसके बाद आप फेशियल करें और फेशियल के बाद थ्रेडिंग बनाएं। और थ्रेडिंग बनाने का ये कारण है बाद में कि आपके ये पोर्स जो खुलते हैं उससे इसमें अगर ब्लीच में अमोनिया रहता है और अमोनिया जाने से उसमें जलन होती है स्किन में। इस वजह से थ्रेडिंग बाद में बनाइए, पहले ब्लीच करिए। फेशियल भी आप भले से आईब्रो बनाने के बाद कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप पहले ब्लीच करिए, उसके बाद ही थ्रेडिंग और अपर लिप्स करिए। या वैक्स भी करना है आपको तो पहले ब्लीच करिए फिर वैक्स करिए, ठीक है। आपको ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फेशियल तो आपको करना बताया ही हुआ है कि किस तरीके से करना है, तो ये इसकी पूरी मैंने जानकारी आपको दी है। और भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पहले इस चेहरा क्लीन करा मैंने, फिर उसके बाद ये पूरा लगाया है। लगाने के बाद आप इसको 15 मिनट छोड़ देंगे। 15 मिनट छोड़ने के बाद आप इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फेशियल की प्रक्रिया करेंगे। फेशियल करने के बाद अपन इसको थ्रेडिंग बनाएंगे। तो ये किसी क्लाइंट्स ने मेरे से पूछा था कि पहले थ्रेडिंग बनाएं कि ब्लीच करें कि फेशियल करें, तो पहले क्या करना चाहिए, तो इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आप पूरा रूप से देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ओके बाय। ये देखो दोस्तों, मैंने फेशियल पूरी तरह से कर दिया है। इसका पूरा आपको मैंने डिटेल नहीं बताया क्योंकि फेशियल का पहले वीडियो डाल रखा है। अब ब्लीच पहले कर दिया है, फेशियल कर दिया, अब थ्रेडिंग वगैरह बना के मैं आपको इसका डिटेल बता दूंगी, पूरा चेहरा किस तरीके से दिखेगा इनका, ठीक है। जो डलनेस है वो कितनी कम हो जाएगी और आईब्रो बनाने से फिनिशिंग आती ही, आपको समझ में है ये बात। तो आप ये चीज़ें जो देखते हो उसको जो भी आपको कमी लगती है तो आप बताइए मेरे को, तो मैं पूरी डिटेल आपको दूंगी। और इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया इस पे कमेंट्स दीजिएगा, तो आगे मैं आपको और जानकारी देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके। हेलो दोस्तों, देखिए ये मैंने फेशियल का पूरी प्रक्रिया पूरी करके मैंने फेस पैक लगाया इनके। ये फेस पैक अब सूखने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फिर हटाऊँगी, उसके बाद इनकी थ्रेडिंग बनाऊँगी, अपर लिप्स बनाऊँगी और आपको पूरा इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको मैं चेहरा बताऊंगी। तो जो इनके डलनेस जो लग रहा था वो कितना कम हुआ है और आगे जाके इनका चेहरा कितना सुंदर दिखेगा। और ये हमेशा फेशियल और ब्लीच आईब्रो थ्रेडिंग बनाते रहना चाहिए जिससे कि अच्छा रहता है अपना चेहरा। हाँ, ब्लीच है ये है कि ब्लीच कम करवाइए लेकिन फेशियल आप कराते रहिए, जिससे क्या है ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बनने के कारण उससे आपके चेहरे पर ग्लो आता है, स्किन अच्छी रहती है, ताज़ी बनी रहती है, आपको कोई फेशियल से साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको अगर ऐसा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स करिए, मैं आपको आगे जानकारी दूंगी, जैसा भी आपको लगता है तो बराबर मैं बताने की कोशिश करूंगी। इनकी आईब्रो भी बन गई है, अपर लिप्स भी हो गई है और फेशियल प्लीज सब कम्प्लीट है। और अब आप देखिए चेहरा इनका, अब ये जो छाया के निशान है वो तो धीरे धीरे ही जाएंगे, लेकिन पहले का चेहरा और अभी का चेहरा आप मिलान करिएगा कितना क्लीन आ रहा है। ओके।